Now we will talk about the second category of disorder, bipolar disorder, that is bipolar 2 disorder. Iski diagnostic criteria is mainly hypomania, hypomanic episode, and at least one major depressive episode. There has never been a full-fledged manic episode. तो अगर आप देखें कि पेशेंट जो है वो डिप्रेसिव सिम्टम्स भी मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स भी मैनिफेस्ट कर रहा है, ऑफकोर्स इट वुड बी साइक्लिक, इट कांट बी के इन वन गो, बल्कि कभी वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और उसके बाद हाइपोमैनिया की उसके अंदर सिम्टम्स के एपिसोड्स भी हो रहे हैं, लेकिन कभी भी पूरे कोर्स ऑफ इलनेस के अंदर उसने मैनिक एपिसोड, फुल फ्लेज मैनिक एपिसोड मैनिफेस्ट नहीं किया, तो आप उसे डायग्नोज करेंगे बाइपोलर 2 डिसऑर्डर. The symptoms are not better explained by any psychotic disorder or any medical condition. So if you see throughout all the disorders, it is very, very important to rule out ke aapka jo mareez hai uske andar koi aur psychotic bimari to nahi hai, ya as a kya kahenge ko concordance sorry iski aisa to nahi hai ke को अकरेंस हो रही है विद एन अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसमें शिजोफ्रेनिया है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स हैं और एनी अदर जो हमने अभी बात की है प्रीवियसली, कैटाटोनिया है. सो ऑल दिस यू हैव टू सी के वो नहीं है, उसकी वजह से ये साइक्लिक चेंजेस उसके मूड में नहीं आ रही. और एनी अदर मेडिकल कंडीशन, समटाइम पेशेंट्स डू रिपोर्ट चेंज इन मूड ऑफ कोर्स इफ दे आर डायग्नोस्ड विद सिवियर मेडिकल कंडीशन लाइक स्ट्रोक और कैंसर, और सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रूल आउट दैट टू. Then the symptoms cause clinically significant distress or impairment in social, occupational or other important areas of functioning. So ye bhi common hai har ek diagnostic criteria mein, in order to diagnose a disorder, specify current or most recent episode jo usko hua hai, aaya wo hypomanic phase mein tha ya wo depressed phase mein tha. So when you're diagnosing somebody, it's quite possible the patient is manifesting or presenting the symptoms of depression और द सिम्टम ऑफ हाइपोमेनिया. सो ये बड़ा जरूरी है कि आप ये रिपोर्ट करें या इसको स्पेल आउट स्पेसिफाई करें. यू ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द रैपिड साइकिलिंग, कि ये भी हो सकता है कि इतना रैपिड साइकिलिंग ना हो, मतलब जो साइकिल्स हैं, मीन शिफ्टिंग फ्रॉम वन मूड टू अनदर इज नॉट सो फ्रीक्वेंट, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो जो मूवमेंट है, वो उनकी जो शिफ्ट इन मूड है या ये जो फेजेज हैं वो बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिपोर्ट टू विद अगेन मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स, विद मूड इनकॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स, विद कैटाटोनिया. सो इफ यू सी तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर आपको बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2 में बहुत सी कॉमनैलिटी नजर आ रही है, लेकिन बाइपोलर 1 में ज्यादातर प्रीडोमिनेंटली मेजर डिप्रेशन है, बट देर इज मैनिक एपिसोड भी कम अज कम एक दफा नजर आना चाहिए, हाइपोमेनिया उधर नहीं है. बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया इज प्रोमिनेंट, बट एट द सेम टाइम डिप्रेसिव, मेजर डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं वो भी हो रही हैं, बट द रेस्ट ऑफ द फीचर्स आर मोर और लेस सेम, सिवेरिटी ऑफ कोर्स विल बी लेस. You also have to specify course if the full criteria for mood episode are not currently met. Then you have to see ke partial remission mein hai. Ke for example, patient has been reported to be meeting this bipolar 2 ka criteria. Lekin abhi jab aapke paas laya gaya hai for the treatment or for assessment, then the patient ka kuch features jo hain wo khatam ho gaye hain ya wo remission mein chala gaya hai. Or in full remission means ke fully the patient has been in full blown situation mein aapke paas laya gaya, and then also severity ke mild hai, moderate hai ya severe hai.